बच्चों का जो भी मांगे थी, सचिव को, नए सचिव को चयन कर लिया गया है कॉलेज प्रशासन के द्वारा। प्लस हॉस्टल की जो भी मांग थी वो प्रिंसिपल साहब के द्वारा मान ली गई है। यदि किसी भी बच्चे को हॉस्टल की जरूरत होगी एग्जाम के दौरान तो वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए बच्चों का धरना समाप्त हो गया। ये धरना कितने दिनों से चल रहा था? ये लगभग 21 दिन, आज 22वां दिन था, 21 दिन हो चुके। विवेकानंद सिंह, वरिष्ठ छात्र नेता, उदय प्रताप शास्त्री महाविद्यालय, वाराणसी। विवेकानंद जी, जो लड़ाई आपने शुरुआत की थी, आज कहां तक मुकाम पहुंचा आपका? इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं कहना चाहता हूं, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, हम भी हैं राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। लड़ाई का आज 22वां दिन जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के संयुक्त उपस्थिति में आज आंदोलन को आश्वासन मिलने के बाद समाप्त किया गया। क्या कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो हम लोग की तीन प्रमुख मांगे थी, तीन प्रमुख मांगों पे जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन ने बैठ के उस पर उसका समाधान किया। सचिव को हटाने की बात थी, नए सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं, छात्रावास खोले जाएंगे कॉलेज के दिनों में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उनके द्वारा उच्च स्तरीय जाँच के लिए कमेटी स्थापित की गई है और कमेटी आके महाविद्यालय में जाँच कर रही है। उसके बाद 6 सूत्री मांग आज हम लोग अपने प्रबंध समिति के अध्यक्ष को के नाम से दिए हैं, जो कॉलेज में जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से आए दिन बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 6 सूत्री मांग हम लोग देके और उनके आश्वासन मिलने पे हम लोग आंदोलन समाप्त किए हैं। विवेका जी, आप भी राजर्षि जी के बगिया के फूल ही हैं। काश ये मांगे आपकी पहले मान ली गई होती तो आप लोगों का इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। थोड़े हिटलर टाइप हैं हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष जज साहब, उनके कानों तक हमारी बात जल्दी पहुँचती नहीं है। और हम लोग भी ये मानते हैं कि हम उनके पुत्र हैं, यदि अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं तो उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में ही ये मांगों को सुन लेनी चाहिए, क्योंकि बनारस और राजर्षि परिवार से उन लोगों का कोई नाता ही नहीं है, यहाँ के परंपरा संस्कारों से वो परिचित ही नहीं है, तो हम लोगों के संस्कारों को समझेंगे कैसे? उनको समझने में आज 22 दिन लग गया, और जब संस्कारों को समझे हैं तो निर्णय लिए हैं।